नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बालू से लदा ट्रैक्टर गैरेज में घुसी, बाल बाल बचे गैरेज मिस्त्री व अन्य। बेगूसराय के तेगरा प्रखंड के फुलवरिया थाना अंतर्गत फुलवरिया तारा अड्डा ऑक्सीजन प्लांट के सामने रोड के किनारे अमन कुमार के गैरेज में रविवार को लगभग 5 बजे गंगा नदी की उजली बालू से लदे ट्रैक्टर जो मथुरापुर बरौनी फलेग इधर से तेज रफ्तार में सुखारा की ओर जा रही थी। तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर ने गाड़ी का बैलेंस खो देने की वजह से ट्रैक्टर रोड के बाएं गैरेज में घुस गई, जिससे गैरेज का सामने भाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हीरो होंडा मोटरसाइकिल जो बनाने के लिए रखा हुआ था उसी पर आगे की चक्का चढ़ने से गाड़ी रुक गई, वरना बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती थी। वहां पर हर हमेशा दर्जनों लोग चौक के निकट पर हमेशा रहते हैं। वही अरविंद कुमार का साइकिल पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, ड्राइवर भी बाल बाल बचा। इसकी सूचना मिलते ही फुलवरिया थाना के ASI ने अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर अपने स्तर से संज्ञान लेने में जुटी हुई थी। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि जब भी गंगा की उजली कच्ची बालू लेकर ट्रैक्टर इधर से गुजरती है तो उसका रफ्तार काफ़ी तेज रहता है, जिससे छोटी सी चूक होने पर बड़ा हादसा का आलम बना हुआ रहता है, जो आज इस घटना के रूप में परिणित हो गया। स्थानीय पुलिस प्रशासन इस क्षेत्र में समुचित पहल करने की आवश्यकता है। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। कैसे गाड़ी गैरेज में घुस गई? आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और ये जो है यात्रा चौक है और ये गंगा बालू भरा हुआ लदा हुआ मथुरापुर से पश्चिम पूरब की ओर जा रहा था और तराटा चौक पर जो है गाड़ी को अधिक वजन होने के कारण जो है बैलेंस गड़बड़ाने के कारण जो है ये क्या कहता है मोटरसाइकिल गैरेज में घुस गया। जिसमें दो गो साइकिल एक मोटरसाइकिल है पूरी तरह से चूर हो गया। और कोई क्षति हुआ? और क्षति यही है, एकदम एल्वेस्टर से सब से टूट गया है। क्या बजे घटना हुई? लगभग 4:45 बजे। आपका अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दशरथ राम, मुखिया प्रतिनिधि फुलवरिया 1।